बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में रिस्क में सेहत में बरकत दे। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि आज मैं एक सनस्क्रीन सनब्लॉक का आप लोगों के सामने रिव्यू लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये डिमांडिंग है और सीज़न ऐसा है कि आप लोगों को सनस्क्रीन इनके सनब्लॉक की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये एविन हम लोगों ने एक ऑर्डर दिया था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इसको मंगवाया है। इसकी जो प्राइस है वो 550 रुपीज़ है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगी कि मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे इससे क्या क्या फ़र्क हुआ। वैसे आप लोग सनब्लॉक जो है वो इसने यूज़ करते हैं कि जब आप लोग धूप के एरिया में बाहर जाते हैं तो आप लोग सनब्लॉक लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपकी स्किन होती है वो सूरज की जो मुझे शुआएँ होती हैं उनसे महफूज रहती है। ये आपको क्या करता है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जो सूरज की ऐसी शुआएँ जिससे आपकी जो स्किन होती है वो जल जाती है, झुलस जाती है, और फिर वो उस पर जो सन टैन होता है वो उसका एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो पैकिंग वाइज आप बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त इसकी पैकिंग है। यहाँ पर इन लोगों ने इसके प्राइस भी मैंशन किए हुए, यहाँ पर 480 है, लेकिन अब ये आपको 550 तक का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये कि यहाँ पर इन्होंने पैकिंग वाइज बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त पैकिंग है इसका। जो ये बॉक्स है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे इसके इंडिकेशंस है। इसके अलावा इस बात पे बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि 60 SPF जो है वो 60 है। यहाँ पर इनके इन्ग्रीडियंट्स मैंशन है और उसके साथ ही इन्होंने तरीका बताया कि आपने सनब्लॉक को किस तरह से यूज़ करना है। जब भी आप लोग बाहर जाएँ तो आप अपने चेहरे को, जिनके जो आपके हाथ हैं, जैसे जिस्म का खुला हिस्सा, आपने उसको अच्छे से तरीके से वॉश करने, साफ़ करने, साफ़ करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा एक अमाउंट में लेना है और उसको अपनी पूरी स्किन पर अप्लाई करना है। ये इजी टू यूज़ है, मतलब आप उसको आराम से अपने चेहरे पर, स्किन पर, हाथों पर अप्लाई कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी स्किन के हिसाब से किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से आप इसको सजेस्ट करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो आपकी स्किन को अच्छे से जानता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत सा फायदा होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हाइपर पिगमेंटेशन होती है वो तो ऐसी कम हो जाती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि एजिंग का काम करता है और जो आपके रिंकल्स हैं, इनके चेहरे पर लाफ लाइन्स हैं और आंखों के इर्द-गिर्द रिंकल्स हैं, उनको भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलें अब हम इसको ओपन करते हैं और मैं आपको उसको दिखाती हूँ कि जो इसकी ट्यूब फॉर्म है वो किस तरह से और उसकी जो लुक है वो कैसी है। तो चलें हम इसको ओपन करते हैं। चलें मिस, आप ओपन करें। यहाँ पर इन्होंने इसका पूरा मेंशन किया हुआ है, जो कुछ भी है जो इसके बारे में है, आपको जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसके बॉक्स में पढ़ सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन यही होती है जो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। ये मैंने ओपन किया और इसके अंदर जनाब हमारे एक ट्यूब निकली है, जो अच्छा ये ट्यूब फॉर्म है ना, ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव है, जो इनकी पैकिंग है वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, ये इसका जो कवर है, ढक्कन है जिसको, वो भी बड़ा अट्रैक्टिव है। मतलब देखे ये होता है कि वाह भाई कोई अच्छी चीज़ ही है। यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है, 30 ग्राम इसका नेट वेट है। इसके अलावा ये कि हर तरह की स्किन के लिए अच्छा है। अच्छा, अब ये है कि जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ना तो वाकई स्किन मतलब अच्छी रहती है, लेकिन एक वही चीज़ कि आपको किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है तो आप उसको रेगुलर यूज़ करो, आप उसको दरमियान में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जैसे ही आप छोड़ते हो आपकी स्किन थोड़ा सा पहले की ही उसमें ही आना शुरू हो जाती है। मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ में ही रखो, जब आप छोड़ देते हो तो फिर वैसे ही स्किन हो जाती है। वैसे ही सनब्लॉक अच्छा है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी स्किन वैसी ही हो जाएगी, कोई इसमें वो ये नहीं है कि असर होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो मेरी तरफ से ना सजेस्टेड है, आप लोग इसको ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ये मेरी तरफ से आप लोगों को रेकमेंडेड है, क्योंकि इसका वाकई फ़ायदा होता है। मैं खुद ये चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को ऐसी ही चीज़ें बताऊँ। तो वीडियो को आप लोगों ने क्या करना है कि पूरे अच्छे से एंड तक देखा करें कि ताकि आप लोगों को इसके बारे में तमाम डिटेल पता चल सके। मैं इसको ओपन भी करके दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं इसको कितना यानी कि उसमें अपने यूज़ में रखती हूँ कि इसको एक हल्की सी स्मॉल अमाउंट लेनी है आपने, क्योंकि हमारी जो गर्मी होती है, गर्मी में हमारी जो स्किन होती है वो पहले ही इतनी इनके पसीने वाली हुई हुई होती है, अगर हम लोग अपनी स्किन में इनके वॉश भी करके आते हैं तो तब भी वो फ़ौरन ईजी टू अप्लाई हो जाती है। मैं इसको थोड़ी सी अमाउंट लेती हूँ और उसको अपना फिंगर्स टिप्स की मदद से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ और अपने हाथों पे भी अक्सर अप्लाई कर लेती हूँ अगर मुझे बाहर जाना हो। वैसे तो डॉक्टर तो ये कहते हैं कि अगर आप किचन में भी खाना बनाने जा रहे हैं तो आपने सनस्क्रीन को, सनब्लॉक को यूज़ करके ही जाना है, क्योंकि जो हमारे चूल्हे की शुआएँ होती हैं वो भी हमारी स्किन को ख़राब कर होती हैं। लेकिन भाई जनाब, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग वो ख़वातीन हैं जो अगर हम लोग किचन में जा रही हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग सनब्लॉक को और अपनी स्किन को इससे बचा सकें। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के मामले में केयरिंग है तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग तो भाई जिस तरह डॉक्टर कहते हैं कि आप लोगों ने किचन में भी जाना है तो अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करके जाएँ।
आपने किसी भी चीज़ की हिफाजत करनी है तो उसके लिए आपको केयर तो करना पड़ेगी, ये तो एक मस्ट चीज़ है, ठीक है। आप जो चाहे नेचुरल रेमेडीज से केयर करें, चाहे आप लोग इन चीज़ों से केयर करें, लेकिन आपको केयर करनी पड़ेगी तो तभी आप खूबसूरत नजर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी आज की वीडियो है वो आप लोगों को हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा इसका रिव्यू मिला होगा। और आप लोग अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से इसको परचेज़ कर सकते हैं, रिकमेंडेड है, क्योंकि इसके वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमेशा की तरह जैसे ये वीडियो पसंद करते हैं, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि फिर ही मुझे आइडिया होता है कि आप लोग मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं और मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। और इसके अलावा क्या करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी इसको बताएँ हमारे बारे में। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलने आएंगे आप लोगों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।